Hi guys, welcome to my channel. Hope you all are fine. Friends, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है. बहुत दिनों से जॉब स्कैम से रिलेटेड वीडियोज़ आ रहे थे, सिंगापुर जॉब स्कैम, हाउ टू गेट जॉब इन सिंगापुर, और बहुत सारे वीडियोज़ जो थे वो सारे के सारे जॉब से रिलेटेड थे. तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें. और प्लीज़, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू रिमूव योर फेस फैट. ओवरऑल फेस फैट आप कैसे रिमूव कर सकते हो, और स्पेशली गर्ल्स को तो बहुत गंदा लगता है अगर फेस पर आपके फैट आ जाता है. हर लड़की चाहती है कि हर गर्ल का ये ड्रीम होता है कि उनका फेस बहुत ज़्यादा चिजल्ड फेस हो, जॉ लाइन अच्छे से शो हो, और चीक्स जो हों वो प्रॉपर कॉन्टोर चीक्स हों. और बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिन जो कॉन्टोरिंग यूज़ करती हैं अपने फेस को चिजल्ड दिखाने के लिए, अपनी जॉ लाइन को बिल्कुल परफेक्ट शेप में दिखाने के लिए बहुत सारी गर्ल्स कॉन्टोर लाइन यूज़ करती हैं, कॉन्टोरिंग करती हैं. तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए. इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप लोग घर पर रहकर नेचुरली फेस फैट को कैसे रिमूव कर सकते हो. तो आज की कुछ एक्सरसाइजेज हैं. अगर आप ये एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन के साथ अगर इनको ट्राई करते हो 1 मंथ तक, तो आप लोगों को खुद नोटिस होगा कि आपका जो फेस फैट है, ओवरऑल फेस फैट है, काफ़ी हद तक कट हो जाएगा, काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा. सो गाइज, मेक श्योर जो भी मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगी आप उनको प्लीज़ डेली रूटीन में करें. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, एटलीस्ट आप 10 मिनट्स तो अपने डे के दे ही सकते हैं इस एक्सरसाइज को. आपको सिर्फ अपने स्केड्यूल में से 10 मिनट निकालने हैं इन एक्सरसाइजेस के लिए. तो देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है. नंबर वन, जो पहली एक्सरसाइज है वो है फिश फेस. इसमें आपको क्या करना है, अपने चीक्स को अंदर की तरफ सक करना है लाइक दिस. आपको इस तरीके से पाउट नहीं बनाना है, अपने चीक्स को सक करना है अंदर की तरफ. ऐसा आपको 25 टू 30 सेकेंड्स करना है, और ये वाली एक्सरसाइज आपको 5 मिनट्स कंटिन्यू करनी है. आप 10-10 सेकेंड का गैप ले सकते हैं. देखिए इस तरीके से करना है, चीक्स को सक करेंगे, आप ऐसा करें 20 टाइम्स. आप ऐसे सॉरी मैंने अभी 20 सेकेंड्स ऐसा किया, 10 सेकेंड्स का आप गैप ले सकते हैं. अगेन आपको इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है. इससे क्या होगा, आपके जो चीक्स हैं वो काफ़ी डिफाइन हो जाएंगे, आपका जो चीक्स का फैट है, फेस पे जो आपके चीक्स पे जो फैट आया हुआ है वो फैट आपका रिमूव हो जाएगा. आपको डेली ये वाली एक्सरसाइज करनी है. 20 सेकेंड्स करें, 10 सेकेंड का गैप लें, अगेन 20 सेकेंड करें, फिर 10 सेकेंड का गैप लें. 5 मिनट्स तक आपको ये प्रोसेस जो है रिपीट करना है. अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो अभी आपको बताती हूँ. अब गाइस, जो हमारी नंबर सेकेंड एक्सरसाइज है दैट इज किसिंग द स्काई. ये वाली जो एक्सरसाइज है बेसिकली ये जो आपका डबल चिन होता है उसको रिमूव करने के लिए है. मोस्टली जो बहुत ज़्यादा मोटी गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं उनको डबल चिन की प्रॉब्लम हो जाती है, फेस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट आ जाता है जिसकी वजह से डबल चिन शो होने लगती है, और जो कि देखने में बहुत ही गंदा भद्दा लगता है. तो आज की जो ये वाली एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज किसिंग द स्काई, इसको अगर आप डेली 25 से 30 सेकेंड इस प्रोसेस को अगर आप 5 टाइम रिपीट करते हो तो आप डबल चिन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. सो चलिए देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को आपको करना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिट ऑन अ चेयर, आपको चेयर पर बैठ जाना है, एंड उसके बाद बेंड योर हेड लाइक दिस एंड स्ट्रेट लुक एट द स्काई. चेयर पर बैठना है, गर्दन को झुकाना है, एंड देन स्ट्रेट लुक एट द स्काई, एंड देन मेक अ पाउट लाइक दिस. इस तरीके से आपको करना है, सिट ऑन अ चेयर, बेंड योर हेड एंड स्ट्रेट लुक एट द स्काई, एंड देन मेक अ पाउट, एंड रिपीट दिस प्रोसेस 25 टू 30 सेकेंड, एंड आफ्टर 10-10 सेकेंड गैप यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस एटलीस्ट 5 टाइम. तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपको डबल चिन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है. और इसी एक्सरसाइज में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं जिससे आप अपनी जो जॉ लाइन हो वो काफ़ी डिफाइन दिखेगी और आपका जो डबल चिन का फैट है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा.
उसके लिए आपको ये करना है, सेट ऑन अ चेयर, देन बेंड योर हेड लाइक दिस, स्ट्रेट लुक एट द स्काई, एंड देन उसके बाद आपकी जो जॉ लाइन है उसको आगे करना है, आपका जो जॉ है उसको आगे की तरफ करना है लाइक दिस. सो गाइस, पहले जो मैंने अभी बताया उसमें आपको पाउट बनाना है, जो अभी दोबारा मैंने आपको बताया इसमें आपको जॉ को आगे की तरफ खींचना है, और इससे क्या होगा, आपकी जो डबल चिन की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी. तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 25 से 30 सेकंड करनी है, 10-10 सेकंड का बीच में गैप लेकर 5 से 6 बार ये प्रोसेस रिपीट करें एंड गेट रिड ऑफ डबल चिन प्रॉब्लम. गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप घर में खाली बैठे हैं और अपनी डबल चिन की प्रॉब्लम है, आपको जल्द से जल्द डबल चिन को रिमूव करना चाहते हैं, घर में खाली बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, फ्री टाइम में हैं, आपको लग रहा है कि अभी आप फ्री हो, थोड़ा सा खाली बैठे हुए हो, तो आप खाली टाइम में बैठकर क्या कर सकते हैं, जॉ को आगे की तरफ खींचे लाइक दिस. इस प्रोसेस को 25 से 30 सेकेंड करें, अगेन 10-10 सेकेंड का गैप लेके 5 टाइम प्रोसेस रिपीट करें. इससे क्या होगा, अगर जिन लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द आपकी खत्म हो जाएगी. फ्री टाइम में बैठे बैठे आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर हल्का सा पेन फील होगा, अगर ज़्यादा पेन होता है छोड़ दें, थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें. पेन नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, हल्का फुल्का है तो चलेगा, इट्स ओके. इस तरीके से करना है, देखिए. सो गाइस, जॉ को आगे की तरफ लाना है, जैसे अभी एक्सरसाइज में बताया मैंने आपको, खाली टाइम में जॉ को आगे की तरफ लेकर आएं, उससे यहाँ पर आपके खिंचाव पड़ेगा, यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं लाइक दिस. इससे क्या होगा, इस जगह पर खिंचाव पड़ेगा और आपकी जो डबल चिन की प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी. सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ द लास्ट एक्सरसाइज, विच इज़ फॉर होल फेस फैट रिमूवल. ये वाली जो एक्सरसाइज है आपके फेस पर जितना भी फैट है उसको रिमूव करने के लिए है. इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा फनी है तो प्लीज़ हंसिएगा मत. इसमें आपको करना ये है लाइक दिस, जैसे हम बचपन में किसी को चिढ़ाते थे ना, इस तरीके से. तो आपको करना क्या है, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ आप समझ लीजिए मुंह चिढ़ाना है लाइक दिस. ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेकेंड करें, अगेन 10-10 सेकेंड का गैप लेके करें. अब आपको क्या करना है, अभी हमने राइट साइड किया, अब आपको लेफ्ट साइड करना है लाइक दिस. ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेकेंड करें, अगेन 10-10 सेकेंड का गैप लेके करें. तो पहले राइट में करें, फिर लेफ्ट में करें, और बीच में गैप लेते रहें इस तरीके से. अगर आप गाइस, जो मेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी, जो मैंने आपको फिश फेस वाली एक्सरसाइज बताई थी, वो थी आपके चिक्स को कम करने के लिए, आपके जो चीक्स पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट आ गया है उसको कम करने के लिए आप फिश फेस वाली एक्सरसाइज करें. नंबर सेकेंड जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, दैट इज़ किसिंग द स्काई. अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप किसिंग द स्काई वाली एक्सरसाइज करें, और खाली बैठे हैं तो जॉ को आगे की तरफ खींचें और अपने फेस को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं और जॉ लाइन जॉ को आगे की तरफ खींचें. उससे आपका जो डबल चिन का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी. जो डबल चिन का आपका एक्स्ट्रा फैट आ गया है, आपकी डबल चिन आ गई है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी. और जो मैंने आपको लास्ट में एक्सरसाइज बताई, ये वाली ऐसे वाली, इससे आपके फेस पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो फैट रिमूव हो जाएगा. सो गाइज, आई होप आपको ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी. तो डेली रूटीन में एटलीस्ट आप अपने लिए 10 मिनट्स निकाल कर अगर ये एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो ओवरऑल फेस का जो फैट है उसको रिमूव कर देंगे. बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अगर सोच रहे हैं एक्सरसाइज करें और साथ में आप जंक फूड्स खा रहे हैं तो कभी भी फेस फैट खत्म नहीं होने वाला है. तो मेक श्योर आप अपनी डाइट में से जो भी आप जंक फूड खाते हो उसको कट कर दें. बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको कम करना है. और अगर सारी चीज़ें खा रहे हैं, एक्सरसाइज फिर भी कर रहे हैं, तब कुछ काम नहीं आने वाला है. तो वही बात हो गई ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आप जो चीज़ें डॉक्टर ने आपको मना की हैं, सपोज दैट आपको कोल्ड है और डॉक्टर ने आपको ठंडी चीज़ें खाने के लिए मना किया, आप मेडिसिन तो खा रहे हैं बट ऑन द अदर साइड आप सारी ठंडी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो दवाई का असर नहीं होगा. तो इसीलिए आप अगर एक्सरसाइज करें तो साथ में आपको थोड़ा सा खाने पीने पर भी ध्यान रखना है. पानी बहुत ज़्यादा पिएं, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं, और जंक फूड को अपनी डाइट से बिल्कुल रिमूव कर दें. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोमोज लवर होते हैं, डेली उनको मोमोज खाने ही खाने हैं, तो मोमोज और सब कुछ जितना भी जंक गंदा फूड है उसको रिमूव कर दें
और मैं भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बट मैं मोमोज नहीं खाती। तो अभी थोड़ा सा मेरे भी फेस पर थोड़ा फैट है, तो मैं भी अभी इन्हीं एक्सरसाइज पे अभी वर्क कर रही हूँ। मैं भी काम अभी एक्सरसाइज डेली रूटीन में कर रही हूँ, सो काफ़ी हद तक मेरा फेस का जो फैट है वो खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये एक्सरसाइजेस शेयर करूँ ताकि आप लोगों के काम आए। तो रॉ वेजिटेबल खाएं, सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पिए, बहुत ज़्यादा पानी पिए। एटलीस्ट 5 लीटर पानी पीना है आपको एक दिन में। 5 लीटर नहीं पी पा रहे हैं तो थोड़ा कम पिए, बट पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, बॉडी फिल्टर होगी आपकी। और जंक फूड ना खाएं, बिल्कुल भी गंदा फूड नहीं खाना है, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और इन एक्सरसाइज को डेली रूटीन में आपको फॉलो करना है, और डेली आप अगर 10 मिनट्स देंगे इन एक्सरसाइज को, तो आई एम श्योर आपका जो फेस का फैट है वो रिमूव हो जाएगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।